तो कैसे हैं आप सब लोग हालांकि मैंने आपको पूरी की पूरी केस स्टडीज वाइज करा दी है हर एक चैप्टर की बिजनेस स्टडीज के अंदर लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल केस स्टडीज और करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसे दो पार्ट में कवर करूंगा आज का पार्ट डोज वन है कल एक पार्ट आएगा डोज टू डोज टू के अंदर पार्ट टू यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट के केस स्टडी कवर करेंगे और आज कवर करेंगे क्लास पूरा का पूरा पार्ट वन यानी कि स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के सारे के सारे मिक्स केस स्टडीज तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास और बताना कि इनका आंसर्स क्या-क्या होगा पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट टेस्ट बीइंग डिस्क्राइब बिलो सबसे पहला दिस टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यानी क्लास अंदर अपने अंदर में ही रहता है या क्लास सबसे कम्युनिकेट करता है या आप पॉजिटिव कुछ भी समझ सकते हो दूसरा दिस टेस्ट हेल्प्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ ए पर्सन रिलेटिंग टू द प्रेजेंट जॉब जिस जॉब के लिए आ रहा है अगर आपने मेरा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से पढ़ रखा है जो कि मैंने रिविजन करा दिया आपको ऑलरेडी तो आपको ये बहुत अच्छे समझ आ जाएगा दिस टेस्ट हेल्प्स टू इवालुएट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स यानी कि इंसान की कितनी कैपेबिलिटी है कितनी एबिलिटी है नई नॉलेज और नई स्किल्स को अक्वायर करने के लिए दिस टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरिया वेर द पर्सन लाइक्स टू बी इन्वॉल्व दिस टेस्ट हेल्प टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक इंडिविजुअल डिसीजन की वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता जजमेंट ले सकता है कि नहीं इसका मतलब क्लास उसका आई क्यू लेवल कैसा है इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा और दिस टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरिया किस में आपका इंटरेस्ट है मतलब क्लास आप किस काम को पसंद करते हो इंटरेस्ट टेस्ट होगा इसका दिस टेस्ट हेल्प्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्वायर न्यू नॉलेज किस कोई भी नई स्किल्स नई एबिलिटी को सीखने में कितना समय लगता है आपको यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट और यह है द क्लास अभी के प्रेजेंट नॉलेज में मतलब कि अभी जो भी आप किस जिस काम के लिए आए हो उस काम के लिए आपकी कितनी नॉलेज है ट्रेड टेस्ट और सबसे पहला जो है क्लास वो है पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ओके तो आपको किसी भी तरीके से केस स्टडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आ सकता है एंड डोंट वरी सारे क्लू वर्ड्स भी दूंगा आपको जिनको देखकर आप डायरेक्टली पहचान लोगे कि ये किसका केस स्टडी है लेकिन क्वेश्चन एक बार को रीड अच्छे से करना तभी आप कर पाओगे इस काम को सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ऑफ अ प्लेसमेंट इन ऑफ़ हिज इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड प्लेसमेंट टू द्लास टू द बेडिंग मैनेजर्स आइडेंटिफाई अच्छा बर्डिंग मैनेजर्स सॉरी आइडेंटीफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बींग डिस्क देखो जब आपको यानी कि इंस्टीट्यूट में फाइनल ईयर में ही आपकी जॉब लग जाती है फाइनल ईयर में ही जॉब लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट और ये किसका है क्लास ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ओके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूट तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा आप वैसा बता दोगे क्वेश्चन ने अगर बताया है कि आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना राइट आशा सेठी वॉज वर्किंग एज अ ह्यूमन मैनेजर एच आर मैनेजर इन अ फेमस कंसल्टेंसी फर्म के एल आई जो है क्लास के एल आई ग्लोबल सर्विसेज हर जॉब इंक्लूडेड प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान एच आर में है तो ये सब काम करना पड़ता है

क्ली वर्ड जब आपको मिल जाएगा ना क्लास आपकी टेंशन पूरी खत्म हो जाएगी कोशिश करूँगा क्लास बना रहा हूं बहुत जल्दी आपको क्लीव वर्ड्स मिलेगा आपको डोंट वरी ठीक है अभी मत बोलना सर एग्जाम के बाद दोगे क्या मतलब बहुत जल्दी मतलब कुछ घंटों में तुम्हारे पास आ रहा होगा डोंट वरी राइट अच्छा सुनो तो जब पैसा आप खर्च कर रहे हो एक नेसेसरी स्किल्स को सीखने के लिए जो तुम्हारी जॉब में हेल्प करेगा जॉब में तुम्हारी मदद करेगा तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं स्टेट बाई पॉइंट्स हाउ दिस इन्वेस्टमेंट यानी कि हाउ हाउ ट्रेनिंग दिस मतलब हाउ ट्रेनिंग इज लाइकली टू बी बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेन लिखना अगर आपने मेरी वीडियो देखी है स्टाफिंग की अच्छे से तो प्लीज कॉमेंट में जाओ पांच बेनिफिट बताओ ट्रेनिंग के ठीक है पांच बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ठीक है सबसे पहला पॉइंट था हमारा रिड्यूस लर्निंग टाइम दूसरा बेटर परफॉर्मेंस अब तीन तो कम से कम तुम मुझे बता दो ठीक है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लिखने इसके अंदर ओके केस स्टडी फोर

प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है सिलेक्शन के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है वहीं पे फर्स्ट स्टेज के अंदर ही जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उन्हें अप्लाई कर रखा है देर आफ्टर टेस्ट वॉज कंडक्टेड फिर क्या होता है सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट होता है तो पहला हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग uh, ध्यान रखना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को छटनी कर दी जाती है निकाल दिया जाता है जो जैसे प्री होता है ना यूपीएससी में प्री में ही कई सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं उसी तरीके से पहले पेपर में कई सारे बच्चे जो uh, मतलब जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है वो चले जाते हैं बाहर फिर एक टेस्ट होता है सिलेक्शन होता है उनकी स्किल्स को देखने के लिए आफ्टर दैट इट वाज़ फॉलोड बाय अ फॉर्मल डेप्थ कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन मतलब इंटरव्यू होता है राइट विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड पैनल ऑफ मैथ्स आपको देखो एक बात मैं और बताता हूँ आप जब भी केस स्टडी करा करो ना आपको स्पेशली अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ लाइन वाली तुम पेपर में केस स्टडी को कई बार दो बार पढ़ना पड़ सकता है एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा इंक्लूडिंग क्वेश्चन तब आपको शायद समझ आ जाएगा अच्छे से और एक काम कब करना है स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट में वो तुम्हें कैसे करना है वो बिफोर एग्जाम एग्जाम से एक दिन पहले मतलब कि मैं आपको तेरह तारीख को पेपर है आपका इंग्लिश का मतलब तेरह तारीख को तो हो चुका है इंग्लिश का सॉरी अब है सत्रह को सत्रह को है बी का तो मैं आपको सोलह को सोलह को रात को समझा दूंगा पूरा का पूरा बट पहले याद करो उसके बाद ठीक है एक्सप्लेन दट है वंदना दिया मैंने कौन कौन सा स्टेप प्रिलिमिन्री स्क्रीनिंग हो गया सिलेक्शन टेस्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया द चूजिंग द द बेस्ट ठीक है गिव नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड बाई द स्कूल कौन सा टेस्ट स्कूल वाले कंडक्ट करते हैं अब मैं तुम्हें लाइन हाईलाइट कर दे रहा हूँ तुम ही मुझे बता दोगे क्लास इसमें क्या देर आफ्टर टेस्ट वॉज कंडक्टेड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट

तो कौन सा है क्लास टेस्ट ये ट्रेड टेस्ट यानी कि उसको आपको इस काम के जो अभी आपको काम दिया जा रहा है उसकी रिगार्डिंग आपकी क्या नॉलेज है ईशा निशा एंड त्रिशा वर आ, वर्किंग एज अ प्रोडक्शन फिनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजर रेस्पेक्टिवली इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंसेज तो होम अप्लायंसेज बनाते हैं और आप ना वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो देखो इनमें समय लगेगा यू हैव टू पेशेंस यू हैव टू वेट टिल द लास्ट लाइन पेशेंस रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हो जाएगा पेपर में डोंट वरी ज्यादा से ज्यादा पांच केस स्टडी होंगी पेपर में पांच केस स्टडी आनी है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा आराम से यार पेशेंस रखो वीडियो एंड तक देखो समझो भगदड़ मत करो यहाँ वहां इधर उधर मत भागो मन को शांत रखो कि हाँ यार इसको पढ़ते हैं अच्छे अच्छे से से आधा घंटा लगेगा बट सारा सर करा देंगे राइट ईशा निशा त्रिशा वर वर्किंग एज अ प्रोडक्शन फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजर रेस्पेक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायसेस ईशा कंडक्ट मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस विद हर सबोर्डिनेट इन ऑर्डर टू सीक देयर ओपिनियन जो है, वो काफी सब लोग मिलकर डिसीजन लेते होंगे यहाँ पे निशा कंडक्ट मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू तो इन्फॉर्म हर सबॉर्डिनेट अबाउट द टारगेट निशा कंडक्ट ये मीटिंग करती है इन्फॉर्म करने के लिए सबॉर्डिनेट को भी देखो तुम्हारा ये टारगेट है दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव विद इन दिबुलर टाइम भाई देखो जितने समय में बोला है उतने समय में काम पूरा करके दो शी ऑल्सो इन्फॉर्म दैम अबाउट द रिलेटेड रिवॉर्ड कि अगर काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा नहीं करोगे तो क्लास फिर डंडा पड़ेगा यानी कि पनिशमेंट मिलेगा और क्लास ये है और फिर तीसरा क्या है त्रिशा अलाउ हर टीम ऑफ सेल्समैन टू सेट देयर ओन टारगेट लो अब यार इसमें त्रिशा ने क्या कह दिया भाई देखो अपना टारगेट खुद बना लो कितना माल बेचना है राइट और वे ऑफ अचीविंग इट सी बिलीव हाईली इन द कैपेबिलिटी ऑफ कहते मुझे पूरा भरोसा है अपना गोल खुद बनाओ खुद अचीव करो मतलब आपके घर वाले आपसे कहें बेटा कि तू खुद डिसाइड कर तुझे कितने परसेंट लाना है उसके पीछे लग जा काम पे समझ लो हम नहीं बोलेंगे नब्बे लाना है सो लाना है अपना खुद डिसाइड कर एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप बींग डिस्कस अब तो साफ साफ आप लिखोगे कि जो त्रिशा का है वो फ्री रेन लीडरशिप है तीसा का जो है वो फ्री रेन लीडरशिप है आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर में एक्सप्लेनेशन आ सकता है यहां तो मैं स्टडी करा रहा हूं मैं भी नहीं पूछा बट पेपर में आ सकता है ईशा अगर नहीं आता एक्सप्लेन के लिए तो मत करना राइट लेकिन फिर भी अगर ये पांच नंबर का है तो हर जगह ना कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाना होता है अगर क्वेश्चन पाँच नंबर का है तो यार सीधा एक्सप्लेनेशन के लिए तो देखो नहीं सीधा नाम तो नहीं पूछेगा कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि क्या है तीशा कर रही है इसका क्या फायदा है क्या घाटा है थोड़ा बहुत आपको तीनों लीडरशिप के बारे में लिखना पड़ेगा डायग्राम बना दोगे तो आ, सोने सुहागा हो जाएगा तो ईशा जो ये क्लास रेगुलर बेसिस पे तो ये डेमोक्रेटिक है ईशा का क्या है क्लास डेमोक्रेटिक और जो निशा है वो कह रही है भैया बिना कुछ क्वेश्चन करे बिना कुछ क्वेश्चन करे काम पूरा करके दो

टू मेक हर टीम ऑफ स्टूडेंट विन एन इंटरनेशनल लेवल मॉडल मेकिंग कंपटीशन भाई मैडम जी ने मॉडल मेकिंग कंपटीशन में इतना अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को जीत दिलाई तो स्कूल के मैगजीन में उनका नाम छपा है बहुत बड़ी बात है बेटा आप लोगों का भी ट्वेल्थ आप पास आउट हो जाओगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपके स्कूल वाले न्यूज में नाम आपका छपाएंगे आपके स्कूल के ब्रॉशर पेम्पलेट में नाम आएगा तो अच्छा लगता है ना बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम है तो यार ये आपको पैसा तो नहीं दे रहा लेकिन फिर भी और अच्छा बना रहा है मोटिवेट कर रहा है एप्रिसिएशन मिलता है ना क्लास ट्रूली हार्ड वर्क करने के बाद जो एप्रिसिएशन मिलती है क्लास मज़ा आता है अच्छा लगता है पैसा ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इतने सारे लोग क्लास आपके लिए इस टाइम एग्जाम टाइम पे क्लास बहुत सारे टीचर्स हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्लीज उन सबको एप्रिशिएट करो उन सबको थैंक यू बोलो कि आप सर अगर आप एक वीडियो भी डाल रहे हो हमारे लिए एक छोटा कॉन्सेप्ट भी आप हमें सिखा रहे हो रियली really, क्लास हम थैंकफुल हैं आपके लिए हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हर जगह अच्छा बुरा है हर जगह अच्छा बुरा है आपको क्या लेना है आपको क्या पिक करना है ये आपके ऊपर है राइट चलो तो ये बहुत अच्छी बात है क्लास अच्छा लगा जान के क्लास के स्कूल ने ये किया राइट इन द कंटेक्सट ऑफ द तो ये ये सब किसका पार्ट है यार सीधे सीधे बताओ ना सीधे सीधे पॉइंट पे आओ चलो काम की बात करते हैं ठीक है ये बताओ ये किस पॉइंट का है तो ये आ गया क्लास मोटिवेशन आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन सबसे पहली बात फंक्शन तो फंक्शन तो भैया ये डायरेक्टिंग है एलिमेंट डायरेक्टिंग के एलिमेंट मोटिवेशन लीडरशिप सुपरविजन कम्युनिकेशन तो उसमें से ये क्लास मोटिवेशन है आइडेंटिफाई एंड टाइप ऑफ इंसेंटिव एंड इट्स कैटेगरी ऑफ मैंशन तो भैया कौन सी कैटेगरी फोटो छपवाना एम्प्लॉय रेकग्निशन एम्प्लॉय रेकग्निशन सेलिब्रेट करना क्लैपिंग करना कोई कार्ड देना कोई टी शर्ट दे देना एम्प्लॉय रेकोगेशन डिस्क्राइब एंड ब्रीफली देखो आपको अब डिस्क्राइब करना है मेरी बात सुनना तीन पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर भी तीन पॉइंट में देना ए पैराग्राफ का आंसर यह है बी पैराग्राफ में ये सी पैराग्राफ में ये ऐसा नहीं मिक्स मैच मर्ज मर्ज मत कर देना हर पैराग्राफ करो मे बी ये पांच नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसा मिल जाएगा नंबर एक नंबर एक नंबर दो नंबर ऐसा कुछ या एक नंबर दो नंबर दो, दो नंबर कुछ भी हो सकता है टू अदर इंसेंटिव सेम कैटेगरी तो जो बच्चे ये समझ गया कि ये नॉन फाइनेंशियल है तो नॉन फाइनेंशियल के और पॉइंट बता सकते हो बहुत सारे हैं क्लास नॉन फाइनेंशियल के रैंक बोल सकते हो क्लास अथॉरिटी आप ये रैंक उसके अंदर क्लास आ सकता है और भी बहुत सारे पॉइंट है क्लास जो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो राइट तो आप मुझे बताना क्लास की और कौन कौन सा पॉइंट है जॉब अटॉनमी लिख सकते हो राइट हाँ जॉब इनरिचमेंट भी आप लिख सकते हो रिकोग्निशन हुई है क्लास एम और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हो कि प्रमोशन नहीं दे रहे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं चलो हो गया क्लास के क्वेश्चन सेवन पे आओ थ्री फ्रेंड्स रजत रमन अंश आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमबीए फ्रॉम रैपिड बिजनेस स्कूल एट मुंबई डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वुड लाइक टू ये तो भाई प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है तो ये कहते हैं कि हम कहाँ ज्वाइन करें रजत और वेरी क्लियर ध्यान रखना यही पे साथ साथ करते चले जाएंगे ये बहुत आसान है मैं पहले भी बार करा चुका हूँ आप कर लोगे रजत वॉज वेरी क्लियर दैट ही वुड लाइक टू टेक अप गवर्नमेंट जॉब किस लिए भैया किस लिए गवर्नमेंट जॉब जॉब सिक्योरिटी के लिए और पेंशन के लिए पेंशन भी मिलेगा जॉब के साथ भी जॉब के बाद भी एज इट गिव्स अ स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम स्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इनकम एंड वर्क विच हेल्प हिम टू वर्क विद ग्रेटर जील इट वॉज ऑल्सो प्रोवाइड हिम पेंशन वेन हीर फ्रॉम द बिजनेस तो भाई क्या है ये ये बात कर रहा है जॉब सिक्योरिटी की ये बात कर रहा है पेंशन की एंड जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन दीज आर टू मतलब कि इंसेंटिव मोटिवेशन के लिए ये दोनों ही क्या है क्लास इंसेंटिव है राइट नेक्स्ट रमन वॉन्टेड टू वर्क इन अ कंपनी विच रमन कहता मैं वहां काम करूंगा जहां स्किल्स डेवलपमेंट प्लान होगा फॉर एम्प्लॉय एंड हेल्प एम्प्लॉय टू ग्रो अप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ग्रो अप ग्रो अप किया जाएगा मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ना क्लास यहां पे क्या प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रमोशन से ग्रो होता है ना वर्कर प्रमोशनल प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी राइट इन एडिशन टू दिस द कंपनी शुड आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक हाउसिंग भाई हाउसिंग मेडिकल तो पर्कज के अंदर आता है राइट हाउस हाउसिंग मेडिकल के अंदर तो बस यही सब लिखना था इसके अंदर आप बता देना कौन सा मॉनेटरी कौन सा नॉन मॉनेटरी ये तो पहचान लोगे ना नाकजिट्स क्या है मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है तो पर्कजिट मॉनेटरी है और ये जो वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है वो नॉन मॉनेटरी है अंश कहता है वो प्रिफर करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कल्चर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअलमी यानी जॉब इन जॉब एनरिचमेंट या जॉब अटोनमी लिख सकते हो इज कंसिडर टू इज कंसिडर टू एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ ये भी सेम वही कह रहा है मीनिंगफुल वर्क तो पर्सनल ग्रोथ का मतलब सेम लिख दोगे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी तो ये दो पॉइंट आ जाएगा आइडेंटिफाई द वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपने आइडेंटिफाई करना है एक्सप्लेन थ्री अदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विच वॉज नॉट डिस्कस बाई एनी ऑफ दैम तो यहाँ पे जो भी

मोटिवेशन दे ठीक है कि वो एक ओनर जैसा फीलिंग करे तो इसको क्लास आप स्टॉक ऑप्शन बोलोगे स्टॉक ऑप्शन बोलोगे या को पार्टनरशिप बोल दो सिंपल है को पार्टनरशिप वेरी क्लियर एंड इंसेंटिव तो ये को पार्टनरशिप है एक्सप्लेन इट्स टाइप तो ये आपका मॉनेटरी इंसेंटिव है मॉनेटरी इंसेंटिव और दूसरी बात पहले तो ये बताना मॉनेटरी इंसेंटिव नाम क्या है को पार्टनरशिप एक्सप्लेन एनी टू अदर इंसेंटिव सेम कैटेगरी तो आप बोनस लिख सकते हो रिटायरमेंट बेनिफिट लिख सकते हो क्लास है ना और क्या लिख सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग लिख सकते हो काफी पॉइंट है क्वेश्चन द बोर्ड पेपर लीक इन ईयर 2018 शायद आपको ना पता हो 2018 में बोर्ड के पेपर लीक हो गए थे लिटरली बच्चे बोर्ड का पेपर घर बैठ के पूरा का पूरा सॉल्व करके पेपर देने गए थे हालांकि बाद में कैंसिल करके दोबारा भी पेपर लिया गया बट टेन ट्वेल्थ में ऐसा हुआ था जी हाँ अकाउंट सी को बीस में भी ऐसा हुआ था ठीक है अब बच्चे सोच रहे हो यार का समझो अट्ठारह में होते बेटा वो कैंसिल हो दोबारा भी पेपर हुआ था राइट पर वो बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा मतलब मुझे तो कोई कह रहा मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था मैंने कि नहीं यार ये पेपर बोर्ड का पेपर तो नहीं हो सकता बोर्ड का पेपर कैसे लीक हो सकता है बट हुआ बोर्ड का पेपर लीक हुआ ठीक है और एसएससी के पेपर भी लीक हुए थे तो पेपर लीक तो आजकल ट्रेंड ही है बोर्ड पेपर लीक इन टू थाउजेंड एटीन वाइड वाइडरीच अमंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स टू होना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत board, बहुत matter करता है, right? But तब, अब CUT आ गया तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज से टू कर्व सच इंसिडेंट इन फ्यूचर सीबीएसई इज वर्क इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट विच अ इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर डिजिटल क्वेश्चन पेपर डिजिटल क्वेश्चन पेपर आता है सच तो वहां भी हो सकता है कि प्रिंट आउट करवाते वक्त क्योंकि पेपर पहले प्रिंट होता है और उसकी वीडियो सही से नहीं मिलता बच्चों को प्रिंटर अच्छा नहीं होता स्कूल वालों का तो कई बार उससे भी इशू रहता है खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन द इनोवेटिव सॉल्यूशन मेक क्वेश्चन पेपर लीक प्रूफ अंटिल 30 मिनट प्रायर टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन यही तो खेल जाते हैं कुछ लोग 30 मिनट्स टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन एंड इवन इफ द क्वेश्चन पेपर गेट लीक आफ्टर दे आर अलाउड To download just half an hour before the start of an exam due to some bad. एक्टर्स ऑफ द सिस्टम अलाउ इजी ट्रेसिबिलिटी एस क्वेश्चन पेपर फॉर इच सेंटर आर वॉटर मार्क ठीक है क्वेश्चन जो वॉटर मार्क वोटर मार्क रहता है वोटर मार्क में समझते हो ना एक नंबर लिखा है जैसे मेरे नोट्स पर नाम लिखा रहता है ना मेरे पीछे उसी तरीके से इनके भी एक नंबर लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में देखना इन द कंटेक्ट ऑफ द अव केस आई एंडिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बींग डिस्कस इन दव पैराग्राफ तो आप बताओ क्लास की कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो यह कंट्रोलिंग की बात कर रहा है ना गलती हुई गलती को ठीक किया क्या है कंट्रोलिंग ठीक क्या गलती को राइट और क्या है क्लास बस यही पूछ रहा है एंड इस ए है इसका बी भी होगा कुछ बी नहीं है इसका हाँ चलो कहाँ गया इसका बी हम्म hmm, ये रहा ये रहा यहाँ गलती से यहाँ आ गया आप समझ जाना भावनाओं को

आप भरोसा रखना बस खुद पे ठीक है जरूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा जरूर मिलेगा विनबर लिमिटेड अ यूनिट इन इन हिमाचल प्रदेश टू मैनुफैक्चर इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड सप्लाई देम टू डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री देयर प्रोडक्शन टारगेट 500 गीजर पर वीक सात दिन में 500 गीजर बनाएंगे इट वाज डिसाइडेड बाय द मैनेजर दैट द वेरिएशन इन प्रोडक्शन इज अप टू 10 तो भेट देखो ये जो वेरिएशन होता है ना ये होता है क्लास एम मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन के अंदर कि सौ यूनिट है कम ज्यादा बनाओ चलेगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन 450। फिफ्टी दस की बात कही थी साढ़े चार सौ बन पाया नेक्स्ट वीक जो हुआ वो चार सौ सत्तर हो पाया अ वीक लेटर द प्रोडक्शन चार सौ इन्वेस्टिगेशन इट वाज़ फाउंड दैट दैक्चुएशन इन प्रोडक्शन वाज़ ड्यू टू इनरेगुलर सप्लाई ऑफ बिजली

स्टेप्स दैट हैव नॉट कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए <coughs> वो तो हम लोगों ने बता दिए तो so, कौन कौन से नहीं किया इन्होंने कंपैरिजन नहीं किया एनालाइजिंग डिविशन नहीं किया फीडबैक इन कंट्रोलिंग नहीं किया बस इन्होंने मेरे हिसाब से मेजरिंग मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस बस एक्चुअल परफॉर्मेंस तक मेजर किया है उसके बाद के स्टेप्स इन्होंने नहीं अपनाए तो so, कौन से स्टेप किए इन्होंने फॉलो कौन से नहीं किए दोनों लिख देना कि ये स्टेप फॉलो किए उसके नीचे ये 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 स्टेप फॉलो नहीं किए उसके नीचे ये आपको सिंपल लिखना है क्लास एक्सप्लेन हाँ एक्सप्लेन भी करने के लिए बोला है सॉरी तो आप एक्सप्लेन भी करोगे तो मतलब तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीख गए ना तो तुम समझ जाओगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उस हिसाब से अपना आंसर लिख लोगे आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक like करके कॉमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर करें तब तक के लिए टेक केयर बाबा आपको कुछ भी पढ़ना हो बी में तो क्लास आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ सब कुछ आपको दे रखा है कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया चीज़ों को अपना ख्याल रखो बाय पढ़ाई करो मेहनत करो खूब आगे बढ़ो बी का पेपर फोर्टी और फोर्टी लेके आना है मुझे आप सबसे आंसर चाहिए पेपर क्या कि सर पेपर कैसा गया अच्छा गया बुरा गया चुप मुझे बताओगे बुरा जाएगा नहीं अच्छा ही जाएगा राइट चलो टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में